Goal, nation's leading institute. Hello students, welcome to the discussion session of Sport Test 11. Myself Ravi Sinha, Faculty of Organic Chemistry, Goal Institute. जैसा कि बच्चे हम लोग जान रहे हैं कि अभी तक हम लोग टेस्ट पेपर का डिस्कशन देते आए हैं और तैयारी भी आपका बहुत अच्छा सब स्टार्ट रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आ जाते हैं ऑर्गेनिक पेपर का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, क्योंकि पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आईयूपीएसी नेम अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH है और साथ में एक यहाँ लगा हुआ है आपके पास ईस्टर ग्रुप, यानी ईस्टर का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O C2H5। तो यहाँ पे ध्यान देना है एक बात को कि सर फंक्शनल ग्रुप तो हमारे पास दो है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एक ईस्टर भी है। इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? तो प्रायोरिटी टेबल में यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि प्रायोरिटी टेबल में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वो ईस्टर से ज्यादा होता है। तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका क्या यूज करते हैं हम लोग? सफिक्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? सफिक्स। और ये जो ईस्टर रहा, ईस्टर का यह क्या यूज करा जाएगा? प्रीफिक्स यूज करा जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान देना आप ईस्टर के बारे में, ईस्टर का दो प्रीफिक्स होता है, डिपेंड करता है कि किससे ये ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ईस्टर के प्रीफिक्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारे सिंपल होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं अल्कोहल के बारे में कि OH होगा तो हाइड्रोक्सी होगा, उसका कोई दूसरा नाम नहीं आने जा रहा है, प्रीफिक्स एक ही होगा, ठीक है? तो NH2 है तो अमाइन होगा, इस तरीके का। लेकिन यहां पर ध्यान देना बच्चा, अगर ये कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर हम लिख दे रहा हूं, CH3 सी डबल बॉन्ड CH और सी डबल बॉन्ड OH और यहां भी आ गया आपका O C डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए सेम, ये भी ईस्टर है और ये भी ईस्टर है, दोनों में ईस्टर में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आप चेक करो कि किसके साथ ये कनेक्शन है, किसके साथ इसका कनेक्शन पॉइंट लगा हुआ है, अगर ऑक्सीजन से लगा हुआ है या कार्बन से। तो अगर कार्बन से लगा हुआ है तो आपका नाम हो जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोलते हैं कि इफ द अटैचमेंट पॉइंट इज कार्बन देन इट इज रिटन एज एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब एल्कोक्सी कार्बोनिल में कैसे देखेंगे, कितने कार्बन यहां पे? दो कार्बन। तो दो कार्बन का एल्कोक्सी क्या होगा? इथॉक्सी हो जाएगा, कार्बोनिल कंटिन्यू रहेगा सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब इस कंडीशन में कि सर व्हेन द कनेक्टेड पॉइंट इज, यानी व्हेन द अटैचिंग पॉइंट इज ऑक्सीजन, जहां अगर ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, यानी कनेक्शन कहां से आ रहा है? ऑक्सीजन से। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं अल्कानोइल ऑक्सी, अल्कानोइल ऑक्सी बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहां ऑक्सीजन हो तो हमेशा रहेगा। अब एल्कानोइल में क्या करना होगा? तो कितने कार्बन हो गए टोटल? तो टोटल हो गए 3 कार्बन, ठीक है। तो इसके लिए नाम देना पड़ेगा प्रोपानोइल, ठीक है। और इस तरह का रहेगा ओ, तो क्या बोलेंगे यहां पे? एल्कोक्सी। तो ध्यान देना है ये ईस्टर के लिए प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ईस्टर का सफिक्स तो आप जान रहे हो कि ओएट होता है, जैसे अल्काइल अल्कानोएट, हाँ, इस तरीके से जो भी नाम होता है। तो प्रायोरिटी हम लोगों ने किसको देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड 1, 2, 3, 4। तो यहां पे क्या होगा? 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे क्या है? ईस्टर। किससे कनेक्शन है? सी डबल बॉन्ड ओसो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो एल्कोक्सी के लिए क्या लगाना होगा बेटा? देखिएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब क्या हो गया? दो कार्बन के लिए क्या नाम होगा? इथॉक्सी। तो क्या लिखोगे? 3 इथॉक्सी इथॉक्सी कार्बोनिल, क्लियर है। अब यहां से देख लीजिए, 4 कार्बन का पेरेंट चेन लगाना हुआ है, ब्यूट 2-1 ओरिक एसिड। आप 1 लिखो या नहीं लिखो ये ऑप्शनल होता है, ये जरूरी नहीं कि 1 लिखा भी मिले अपने पेपर में, ठीक है। 1 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोग अपना देखते हैं, इसका ऑप्शन हो गया 3। तो क्या लिखा हुआ है यहां पे आंसर? 3 इथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूट 2-1 ओरिक एसिड, क्लियर बात। अगर इसका करना रहता ऑक्सीजन से तो याद रखना, अगर अटैचमेंट पॉइंट ऑक्सीजन है तो क्या लिखोगे? एल्कानोइल ऑक्सी। तो इसके लिए नाम क्या करोगे? टोटल कितने कार्बन हो गए? 3। तो क्या लिखना पड़ेगा? 3 एल्कानोइल की जगह पे बोलना होगा 3 के लिए प्रोपानोइल, प्रोपानोइल ऑक्सी, ये हम लोग का नाम आ जाएगा। फिर इसका नाम लिखेंगे 3 प्रोपानोइल ऑक्सी, कितने कार्बन का चेन था? ब्यूट 2-1 ओएक एसिड, क्लियर है बात। तो ये ध्यान रखना, ये
ईस्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है, उसका प्रीफिक्स याद रखना है। बहुत सिंपल सा पॉइंट, लेकिन यहाँ पे गलती होने का बहुत ज्यादा चांस होता है कि क्या इसका लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीजन से लगा है तो ध्यान देना, और कार्बन से लगा है तो ध्यान देना, दोनों का नाम बदल जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 25। कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल सा पॉइंट भी मुश्किल कर देता है, तो उसे रिवाइज करते रहिए। और एक बात और याद रखना, ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में लगता तो है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल सा वर्ड, रियल में बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा प्रायोरिटी टेबल को जरूर पढ़ना। प्रायोरिटी टेबल में क्या देता है कि क्वेश्चन रहता है कि सीक्वेंस वाइज कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है प्रायोरिटी टेबल में। लोग इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज हो जाता है, इससे कह रहे प्रायोरिटी टेबल क्या ही करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, प्रायोरिटी टेबल का क्वेश्चन को ध्यान देना है। आ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म। तो भाई टॉटोमेरिज्म के लिए हम लोगों को याद रखना है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होगा या फिर कंजुगेटेड हाइड्रोजन होगा, लेकिन कम से कम अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। तो अब यहां दे रहा है एसीटोफेनॉन। अब ये एसीटोफेनॉन का स्ट्रक्चर तो नहीं दिया है, वर्ड में दिया गया क्या हो जाएगा एसीटोफेनॉन। देखिए तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, यानी यहां से जब टॉटोमेराइज करेगा, ये मान लेते हैं OH मीडियम में, तो क्या करेंगे टॉटोमेराइज करेंगे इसका, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा COH डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान रखना कि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन जरूर रहना चाहिए। अगला बोला जा रहा है आपके पास इथाइल एसीटो एसीटेट। तो कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, एक दो स्ट्रक्चर यहां पे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि आपका दिया गया एसिटाइल एसीटोन का, जैसा दिया गया इथाइल एसीटो एसीटेट का, तो ये सब स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो इधर साइड से तो हम नहीं बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन भाई अल्फा हाइड्रोजन यहां है, अल्फा हाइड्रोजन यहां है, तो ये एक्टिव मिथिलीन बोलते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा टोटोमेराइज करेगा, यानी ये भी हम लोग कहेंगे टोटोमेराइजेशन में हिस्सा होगा। अगला बोला जा रहा है एसीटाइल, यानी एसीटाइल किसको बोलते हैं CH3CO सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री एसिटाइल एसीटोन। एसीटोन का मतलब क्या हुआ कीटोन। अब एक पॉइंट और यहां याद रखिएगा, ये तो टोटोमेराइज करेगा, लेकिन ध्यान रखना कि कीटो और इनॉल में अगर कहीं स्टेबिलिटी का बात आ जाए, तो हम लोग जानते हैं कि कीटो आर मोर स्टेबल देन इनॉल, ये बात ध्यान रखना है, बट कुछ कंडीशन में इनॉल ज्यादा स्टेबल होते हैं। कहां कहां याद रखना है, तो ये देखो जब ए साइक्लिक 1,3 डाइकीटो, क्या बोल रहे हैं बच्चे फिर से, ए साइक्लिक 1,3 डाइकीटो और एक्टिव मिथिलीन अगर यहां से टोटोमेराइज कर रहा है, तो 6 मेंबर का चिलेशन रिंग बना लेगा, और ये 6 मेंबर का चिलेशन रिंग दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हम लोग बोलेंगे कि इसका जो इनॉल होगा वो कीटो से ज्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा कहां पॉइंट आएगा सर, तो दूसरा जब हमारा इनॉल जो हो जाए एरोमेटिक, मान लीजिए अगर ऐसा इनॉल अपने पास बन गया जो एरोमेटिक हो जाए, तो यह भी हमारा इनॉल क्या होगा स्टेबल होगा। तीसरा कंडीशन कहां है जहां इनॉल हमारा स्टेबल होगा, तो देखिएगा साइक्लिक में, साइक्लिक अगर 1,2 डाइकीटो दे रखा है, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से बचने के लिए टॉटोमेराइज कर जाता है, और 5 मेंबर का यहां पे चिलेशन रिंग बनता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर बात? तो ये 3 कंडीशन में ध्यान रखना इनॉल यहां पे स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 26। तो यहां पे ऑल ऑफ दिस आंसर बोलेंगे, क्योंकि तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी नेसेसरी फॉर द टॉटोमेराइजेशन। अगर टॉटोमेराइजेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है, तो उस जगह पे हम लोग बोलेंगे कि टॉटोमेराइजेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है 27। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बार बार आप देख रहे होंगे कि आपके पास हर एक टेस्ट पेपर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेस्ट पेपर में आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन से जरूर दिया जा रहा है, आइदर वो डीपीपी में दिया जा रहा है, स्पोर्ट में दिया जा रहा है, या AITS में दिया जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू दूसरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये 4 एग्जाम्पल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर और सब का क्या नाम होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, पहला जो बोल देख रहे हो बच्चे, पहला में आप देख रहे हो कि एक H लगा हुआ है और एक NO2+ दिया हुआ है, यानी सोचो ना कि एक इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
एकदम ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग के साथ एक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम इस पॉइंट को याद रखिए। अगला है सीएल। अब देखो ये क्या हुआ, ये तो एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक तो है नहीं, एरोमेटिक रहता तब तो। यहां दे रखा है वाटर और यह प्रोडक्ट बना दिया OH, यानी कि ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और अपने से क्वेश्चन यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला है सीएल लगा हुआ है एक लिविंग ग्रुप और साथ में एक बेस दे रहा है एल्कोहलिक KOH। अब ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, अगर यहीं पर एक्वस KOH रहता, क्लियर है बात, अगर ये एक्वस KOH होता तो ये सीएल को सब्स्टिट्यूट कर देता OH से, यानी कहते कि सीएल माइनस इज बिंग सब्स्टिट्यूटेड बाई OH माइनस। बट यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे एलिमिनेशन हो रहा है, यानी एल्कोहलिक दिया हुआ है तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होता है तो क्या बन रहा है, एल्कीन या अल्काइन आगे जो भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला है बच्चे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है और डबल बॉन्ड के साथ दिया है आपको HBr और साथ में दिया गया है पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड यानी ये कैसा रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पे ध्यान रखना, यानी ये रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे बनता है Br रेडिकल, जो कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल से प्रोडक्ट देता है। यानी यहां पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एंटी मार्कोनिकोफ से, यानी डबल बॉन्ड और इस जगह पे आ जाएगा ब्रोमीन, इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट है, तो Br रेडिकल होता है, ध्यान रखना। लेकिन बेटा अगर यहां पेरोक्साइड नहीं रहता तो HBr सिर्फ रहता तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता अपना, H प्लस होता, समझ रहे हैं, H प्लस होता, तो उस समय हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी एक फ्री रेडिकल का एडिशन किया जा रहा। और अगर HBr सिर्फ रहता तो उसमें क्या बोलते हैं कि कार्बोकेटायन बन रहा है H प्लस, जिससे कि एडिशन किया जा रहा है, क्लियर है बात। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में अपना ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का 28 नंबर, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि 28 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो फास्टेस्ट डीकार्बोक्सिलेशन व्हेन द रिएक्शन विथ सोडा लाइम। तो भाई हम लोग समझते हैं बात को, पहले मैकेनिज्म समझ लेंगे, आंसर सामने आएगा। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं, आर सी डबल बॉन्ड OH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और रिएजेंट दिया गया CaO प्लस NaOH, आप जानते हो, और हीट, इसको बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सिंपल भी बोल सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बिकॉज CO2 का लॉस करना है। तो भाई यहां से क्या होता है, तो यहां कार्ब अनायन बनता है इंटरमीडिएट, क्या होता है मैकेनिज्म से, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब अनायन। जब ये कार्ब अनायन बनता है तो कार्ब अनायन का स्टेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होगा, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा। दैट्स व्हाई यहां पे हम लोगों को चेक करना होगा कि सर फर्स्ट में देखिए तो फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, कोई ग्रुप नहीं है। सेकेंड में देखिएगा तो NO2 है, जो NO2 यहां पे क्या करेगा, इस जगह पे CH2 जो बना है, CH2 C डबल बॉन्ड H और ये NO2, आपको क्या करना है, सबका CO2 हटा दो, CO हटा करके यहां माइनस लगाओ और इस माइनस का स्टेबिलिटी चेक कर लो कि जो इस माइनस को स्टेबल कर देगा उसका रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहां पर देखिए बच्चे, यहां NO2 है तो इस माइनस के लिए क्या काम करेगा, माइनस आई माइनस है, और हम लोग जान रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास OCS3, तो भाई OCS3 का तो काम हम लोग जानते हैं कि प्लस M का काम करेगा, यानी EDG का काम करेगा, और EDG एक नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है। उसके बाद दिया हुआ है CH3, ये भी एक EDG है, CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये CH3, और फर्स्ट वाले में तो कोई ग्रुप लगा नहीं था। तो चलिए साथ में एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहां से, CH2COH, क्लियर है बात, और ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो यहां पे भी माइनस बना,
ये चार ऑप्शन में आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री में बोला जा रहा है, यानी मोस्ट रिएक्टिव पूछा जा रहा है। तो भाई अब देख लो बच्चे यहां से कि कौन सा निगेटिव चार्ज अपना स्टेबल है। तो सेकेंड नंबर का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा क्या? क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ पे एक NO2 लगा हुआ है जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया होता तो क्या करते हैं? तो कह सकते थे कि सर सबसे बढ़िया 2 का रिएक्शन होगा, उसके बाद फर्स्ट का होगा, क्योंकि फर्स्ट में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, लेकिन ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है और ये प्लस एम से डोनेट कर रहा है, तो प्लस एम डोनेटर ज्यादा स्ट्रांग होगा। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप जो होंगे वो डिस्टेबलाइज करते हैं। तो क्या होगा? 4 एंड सबसे लास्ट में होगा 3। अगर सीक्वेंस पूछा जाता तो 2, 1, 4, 3 हम लोग बोलते हैं। ऐसे अभी का क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 2, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फास्ट पूछा जा रहा था, फास्टेस्ट पूछा जा रहा था। क्लियर है बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो ये मैकेनिज्म वाइज आपको बताया गया, थोड़ा ध्यान रखना है डी कार्बोक्सिलेशन के लिए। एक सेकेंड और एक क्वेश्चन पे और बात कर लेते हैं। यहाँ पे कभी आपके पास ऐसा भी देता है कि कौन सा कंपाउंड रिएक्शन में होते हैं जो कि बिना सोडा लाइम का, ध्यान रखना, फिर से मैं कुछ बोल रहा हूं कि कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि विदाउट सोडा लाइम, हाँ बिना सोडा लाइम का CO2 को लॉस करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ध्यान रखना है क्या होता है, बीटा कीटो एसिड होता है, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और साथ में यहीं पर याद रखिएगा आप हीटिंग इफेक्ट को भी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए हम लोग का कोशिश रहता है कि जहां भी उस क्वेश्चन के साथ कुछ लिंक क्वेश्चन आ रहा है तो साथ में उसके बारे में भी बता देना, ताकि क्या रहेगा आपका रिवीजन हो रहा है इस तरीके से वीडियो सॉल्यूशन को देखने से। अगर आपके पास इस एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन डिस्कशन आ जाता है तो थोड़ा आपका रिवीजन स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। कह रहा है कि इनफिनक्लिस्टीन रिएक्शन विच अल्काइल क्लोराइड गिव मैक्सिमम यील्ड। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि सर ये फिनक्लिस्टीन रिएक्शन क्या होता है, तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, जान रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। और एक और होता है सॉर्ट रिएक्शन, जो कि यहां पे मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब SN2 का जो रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो जो SN2 को फेवरेबल कंडीशन रहेगा उसका रेट ज्यादा होगा। तो फर्स्ट में देखिएगा 3 डिग्री, क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 देगा? क्या नहीं देगा। सेकेंड आ जाते हैं तो प्राइमरी है, उसके बाद फिर से आ जाते हैं तो आपके पास 3 डिग्री है, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है ऑल हैव सेम रिएक्टिविटी, ये गलत है। यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म किसको फॉलो किया है? SN2 को। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा 29 का वो होने जा रहा है सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये इसी पॉइंट से 2 क्वेश्चन आ चुका है अपने इस पेपर में सेम रिएक्शन से। कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रहे हैं KOH का, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होगा? तो यहां ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट जो यहां पे होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन, यानी कि CCl2, ये इसका इंटरमीडिएट होगा। क्लियर है बात? तो यहां से बनने जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर 3, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो कि सेम आपको क्वेश्चन नंबर 34 में भी दे रखा है। उस समय रिएक्शन पूछा जा रहा है और इस समय इंटरमीडिएट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही रिएक्शन से 2 क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कि प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का ये टेस्ट होता है। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अल्काइल जो अमाइंस होते हैं वो टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अपना डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 है, थोड़ा बढ़िया से समझा जाए, जरा डिस्कशन कर दिया जाए इसके लिए। तो यहां दे रहा है आपको क्लोरोबेंजीन, और क्या इस पॉइंट से और क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे बात करते हैं। एक्वस NaOH है, 623 केल्विन है, 300 ATM प्रेशर एंड H+, बिल्कुल यही है।
ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। यहाँ पे होता क्या है, तो सीएल के जगह पे ओएच आता है और फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब इस मैकेनिज्म को जरा समझते हैं कि सर ये मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है। तो इस जगह पे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो ये हुआ आपका सीएल, ये आपका आया एक्वस एनएओएच, यहां से क्या हुआ एनए प्लस और ओएच माइनस, ठीक है, एनए प्लस और ओएच माइनस इस जगह पे आकर के क्या करेगा, तो इस आकर सीएल पे अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट किया और ऐसा कुछ आपको बनने जा रहा है। यानी यहां ओएच भी है, सीएल भी है और ये नेगेटिव चार्ज। तो यहां इंटरमीडिएट देखो बच्चे क्या बन रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी इस रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ सकता है, इस रिएक्शन का रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो सिंपल बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो जब नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा क्या करेगा, रेट को डिक्रीज करेगा। यानी क्या बोलेंगे कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडब्ल्यू जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईडी जी। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को बढ़ाने जा रहा है और ईडी जी क्या करने जा रहा है, रेट को डिक्रीज। अब देखो ये जब मूव किया तो दोनों में सीएल में और ओएच माइनस में, सीएल माइनस में और ओएच माइनस में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, तो सीएल अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और ये क्या बनने जा रहा है, फेनॉल। ये तो क्वेश्चन हो गया कि सर इसे डाउस बोलते हैं और ये मैकेनिज्म हो गया। अब अगर इसी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है वो कुछ ऐसा दिया गया, एक सीएल लगा दिया गया, एक जगह और एक सीएल दिया गया, एक एनओ टू लगा दिया गया। और आप देख रहे हो बेटा कि एनओ टू क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा रेट को। एनओ टू क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एनओ टू ने क्या किया था, एनओ टू ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। यानी एनओ टू और एनओ टू ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो अब आप बताइए कि यहां पे रेट इस तरीके से इंक्रीज करेगा क्या, ठीक है। इसमें 623 केल्विन हो जाता है, यहाँ पे एक एनओ टू के लगने से लगभग 443 केल्विन का यूज होता है, टेम्परेचर देखो डाउन हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं दो एनओ टू लगा हुआ है तो 333 केल्विन का यूज होता है, और जब तीन एनओ टू लगा हुआ है तो सिर्फ वार्म वाटर, कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा इसमें हाई टेम्परेचर का, सिर्फ वार्म वाटर बोला जाता है, रिएक्शन करते हैं और पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है। तो इससे क्वेश्चन से आपको एक और जोर दिया गया है। होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला, डाउस प्रोसेस होता है रिएक्शन का नाम, और साथ में मैकेनिज्म भी देखे हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या बोलेंगे, SNAE, क्योंकि पहले ऐड हुआ है तब एलिमिनेट हुआ है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं SNAE। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग बात करते हैं, पढ़ लिया जाए पहले क्वेश्चन को। द वेपर ऑफ एन अल्कोहल एक्स आर पास्ड ओवर कॉपर हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस वेयर एन अल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट द अल्कोहल इज। अब यहां पे हम लोग जानते हैं कि कॉपर 573 केल्विन, जो आप एनसीईआरटी में देखते हो तो 573 केल्विन, उसी को तो 300 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे सर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे क्या होता है कि 573 केल्विन याद रहता है, 300 आ गया तो समझ में नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही एक डिग्री में और एक केल्विन में दे रखा है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में और एक केल्विन में। तो कह रहा है क्या कि कॉपर वेपर से जब हम लोग पास करवाते हैं कौन से अल्कोहल को, किस अल्कोहल को पास करवाते हैं, तो एलिमिनेशन होकर अल्कीन दे रहा है। तो देखिए याद रखिएगा कि अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है CH3CH2OH और कॉपर को पास करवाते हैं 300 केल्विन से, हाँ, या इसी को बोला जाएगा 573 केल्विन, तो 300 डिग्री सेल्सियस से तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, तो पीसीसी यूज कर सकते हैं, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं CrO3 पाइरिडीन, CrO3H+ नहीं, CrO3H+ हो जाता है जोन्स रिएजेंट, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को कहां लेके चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन अपने को कहां रखना है बेटा, एल्डिहाइड में, यानी माइल्ड रखना है। अब यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल ले लो CH3CHOH CH3,
और यहां पे क्या होगा, कॉपर एट 300 डिग्री, तो ये क्या बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है कीटोन। लेकिन जैसे ही हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं OH, तो इस जगह पे ऑक्सीडेशन के जगह पे क्या होने जा रहा है, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटीन या आइसोब्यूटाइलीन। क्लियर है बात, तो कोई भी 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो ऐसा एलिमिनेशन करेगा, 1 डिग्री एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री एलिमिनेशन अल्कीन बनाने जा रहा है। गॉट इट, आगे बढ़े हम लोग, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या था, 1 डिग्री था कीटो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकंड क्या था 2 डिग्री था कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री क्या है, अगला क्या है 3, अगला क्या दे रखा है 2 डिग्री, ये भी क्या होगा कीटोन बन जाएगा, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है क्या 3 डिग्री, जो कि क्या बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हुआ। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33 अपना एक नेम रिएक्शन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ फेनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ फेनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, तो समझते हैं यहां पे इस रिएक्शन का नाम होता है कोलवेज स्मिट रिएक्शन। तो अब यहां पे दो ऑप्शन दे रखा था, एक दिया गया है कोलवेज स्मिट रिएक्शन जिसके साथ CO2 दिया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, और एक दिया हुआ है कोलवेज स्मिट रिएक्शन जिसके पास दिया गया है CO इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पे क्या आंसर होगा CO2। क्या बोलते हैं कि फेनॉल का रिएक्शन जब एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं CO2 के प्रेजेंस में H+ देकर, तो क्या बनता है, यहां पे बनता है सैलिसिलिक एसिड, या उसी को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी भी बनता है लेकिन 2 हाइड्रोक्सी यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए ज्यादातर आपको दिखता होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात, तो इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है, कैसे रिएक्शन करते हैं इसको। ये हो गया आपका फेनॉल, इसके साथ रिएक्शन लिए एक्वस NaOH, साथ में क्या लेते हैं बच्चे CO2 और H+। H+ का काम होता है प्रोटोनेशन करने के लिए, और यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। तो इलेक्ट्रोफाइल का कौन काम करता है इस जगह पे CO2, क्या नाम बोलेंगे इसे सैलिसिलिक एसिड। एक और रिएक्शन होता है जिससे सैलिसिलिक एसिड आप बना सकते हैं, उसको बोलते हैं रिमर्टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा है रिमर्टिमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन या रिमर्टिमान रिएक्शन जिसमें कि हम लोग CHO बना लेते हैं, यहां पे क्या बोलेंगे OH है, क्या बनाएंगे एक्वस NaOH लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3H+ लेंगे, तो ये क्या बनता है बच्चे, ये बनता है सैलिसिलडिहाइड OH CHO, इसको बोलेंगे सैलिसिलडिहाइड। और अगर इसी जगह पे हम लोग फेनॉल का रिएक्शन करा दें एक्वस NaOH के साथ CCl4 देकर H+ के प्रेजेंस में, CCl4 देकर H+ के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है बात, ये इस तरीके का रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बनने जा रहा है। छोटा सा पॉइंट और बताएंगे सैलिसिलिक एसिड के बारे में, सैलिसिलिक एसिड से क्वेश्चन रहता है इसमें भी, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से भी आ रहा है, जो कि एस्पिरिन। देखो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से एस्पिरिन पढ़े हैं, यही आप फिनॉल भी पढ़े हैं कि अगर यहां पे एसिटाइलेशन करा दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O हाँ होल टू ये ले लिया जाए, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया जाए, तो एसिटाइलेशन करा दें तो ये एस्पिरिन बनता है, इसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी आप बोलते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन मतलब क्या हो गया, जो कंपोजिशन है डिस्प्रिन का, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, तो केमिस्ट्री एवरी लाइफ में हम लोगों ने पढ़ना होता है। ठीक है, एंटीपायरेटिक के लिए यूज किया जाता है, एंटीपायरेटिक का मतलब फीवर के लिए जैसे यूज करते हैं। इसका एक और यूज होता है जो हार्ट पेशेंट में, क्योंकि ये छोटा छोटा पॉइंट एनसीईआरटी का लाइन से दे रहे बोल रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्पिरिन का एक और यूज रखना कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट नहीं करता है, ब्लड को पतला कर देता है, जिससे कि इस कारण से हार्ट पेशेंट्स को इसके लिए यूज करता है। हार्ट पेशेंट को इसे यूज किया जाता है ताकि जो ब्लड हो वो क्या रहे, वो पतला रहे। ठीक है, इसीलिए इसे ब्लड क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, तो इसका यूज कर दिया जाता है एस्पिरिन का। ठीक है, तो यह ध्यान रखना मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है, जो फीवर में दवा लिया जाता है।
एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, जो पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट से पढ़ते रहना, सुनते रहोगे, इस एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, अभी जस्ट 34 नंबर के बारे में बात किए थे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, तो 30 से रिलेटेड है। 30 में क्या पूछा गया था, इंटरमीडिएट। यहाँ इंटरमीडिएट ना पूछ कर यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है बच्चे, तो देखेंगे। जैसे अभी NH2 यानी कि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जो अमाइन होगा, आइदर वो एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, उसका रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें क्लोरोफॉर्म से और KOH से, यानी यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, तो ये क्या बनने जा रहा है, इस जगह पे बनने जा रहा है फिनाइल आइसोसाइनाइड। यानी इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिससे कि प्राइमरी अमाइंस का हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। अगर इसके जगह पे हम लोग ले लेते हैं एलिफेटिक CH3 CH2 NH2 1 डिग्री क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, तो क्या ये यहाँ से बनने जा रहा है CH3 CH2 NC, यानी क्या बोलेंगे, इथाइल आइसोसाइनाइड। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इस टेस्ट को हम लोग किसके लिए रखते हैं, तो प्राइमरी अमाइंस के लिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाता कि प्राइमरी अमाइन के का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ध्यान रखना छोटा सा पॉइंट है, अगर हम लोग प्राइमरी अमाइन को HNO2 देते हैं 0°C to 5°C, तो ये बनता है डाइजोनियम। कौन सा डाइजोनियम बनेगा, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनेगा, ठीक है, जो कि बेटा स्टेबल होता है। किस कारण से स्टेबल होता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, यानी यहां से कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन यहां से इवॉल्व नहीं करेगा। क्यों नहीं इवॉल्व हो रहा है भाई, क्योंकि यहां पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर यही बात अगर हम लोग करें एलिफेटिक को लेकर, CH3 CH2 NH2 है और यहां पे डाइजोटाइजेशन करा दे HNO2 0°C, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 N2 प्लस और X माइनस, और ये ठहरा अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से H2O से OH बन जाएगा, यानी CH3 CH2OH, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और N2 गैस बाहर इवॉल्व करेगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला, कौन सा नेम याद रखना है, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात किए थे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, तो कार्बाइल अमाइन में याद रखना है बच्चे कि ये 1 डिग्री एलिफेटिक और या 1 डिग्री एरोमेटिक किसी के साथ भी रिएक्शन देगा। और फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस बोलते हैं रोटेन एग का स्मेल या रोटेन फिश का स्मेल, हाँ उस तरीके का फॉल स्मेलिंग यानी बैड स्मेलिंग बोलते हैं उसका, ये क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा यहाँ पे, क्लियर बात। और यही 30 नंबर में पूछा था, तो इंटरमीडिएट पूछा था, तो इंटरमीडिएट क्या याद रखेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, है ना, क्लियर है, याद रखिएगा। इसे कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोला जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, यानी कि रोटेन एग रोटेन फिश का स्मेल होता है, जिसे फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस यानी FOUL यानी बैड स्मेलिंग सब्सटेंस बोलते हैं इसका, आइसोसाइनाइड का, ठीक है। ये टेस्ट किया जाता है 1 डिग्री अमाइन के लिए, आइदर एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों देता है। अब यहीं पर अगर बोला जाता है एलिफेटिक और एरोमेटिक को कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो याद रखिएगा डाइजोटाइजेशन के लिए पढ़े हैं। तो अगर एलिफेटिक रहेगा तो क्या होगा भाई, वहां पे से N2 गैस इवॉल्व करेगा, लेकिन एरोमेटिक होगा तो N2 गैस नहीं इवॉल्व करेगा, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस में स्टेबल है, और एलिफेटिक में क्या होता है, अनस्टेबल होने के कारण N2 गैस वहां से इवॉल्व कर जाता है, ठीक है। फिर तो आगे बहुत सारा है, इनवर्स रिएजेंट है, बेंजीन, बहुत सारा काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अभी का समय में जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को लेकर चल रहा है बातें, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉलीमर जो कि नेचर में डिग्रेड कर जाए, डिकम्पोज कर जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे कि आप देखते थे पहले की प्लास्टिक का यूज हो रहा था, अब जो प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का काम किया जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से वो नेचर में डिकम्पोज किया जाए। तो उसके लिए याद रखना है, एक तो सेलुलोज हुआ, सेलुलोज तो क्या हुआ, सेलुलोज तो प्लांट्स में पाया जाता है। तो सर आप प्लांट्स में कोई भी आप यूज करते हो, कोई जूट, जैसे जूट का बैग होता है, जूट का जो आप देखते हैं जिसमें सब्जी वगैरह के लिए आता है, तो सब क्या हुआ, वो सब सेलुलोज वगैरह से बनता है, हाँ? तो उसको तो आप देखते हो बहुत आसानी से डिकम्पोज कर जाता है।
दो और ऐसा है जिसका कि फंक्शनल ग्रुप जो सेम भी हो, फंक्शनल ग्रुप नॉन बायोडिग्रेडेबल के जैसा ही हो, लेकिन उसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल क्वालिटी आ जाता है। जैसे आता है PHBB और नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो अमीनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन से बना रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दिस, इसमें ये करेक्ट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, सेक्शन बी में, यानी फिर से आज हमको बताना होगा। यहां लिखा रहता है सेक्शन बी में, कैंडिडेट्स कैन चूज टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, यानी सिर्फ 10 क्वेश्चन ही चूज करना है। ये हर टेस्ट के डिस्कशन में आपको मैं बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि रेट फास्ट किसका होगा। तो देखिए, पहला दे रहा है PHCS2Br, उसके बाद दिया जा रहा है अलाइल, इसे अलाइल बोलते हैं, इसका क्या नाम हुआ, बेंजाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो रहा है, अलाइल। उसके बाद दिया जा रहा है अल्काइल, तो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं, और उसके बाद क्या हो गया, फिनाइल। तो देखो, ये बात तो याद रखना भाई कि फिनाइल ब्रोमाइड का या विनाइल ब्रोमाइड, यानी कोई भी हलाइड, हाँ बोल सकते हैं अराइल हलाइड और विनाइल का रेट बहुत ही स्लो होता है। रीजन क्या है, तो रीजन एक तो आता है कि एक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है दोनों का लोन पेयर के साथ, यहीं पर साथ में विनाइल का भी देख लो। तो विनाइल और फिनाइल में तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल ना के बराबर होने जा रहा है, इसे अलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइल। इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइल, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल को आकर अटैक करना है, तो एक न्यूक्लियोफाइल कहां आकर अटैक करना चाहेगा, सिंपल सा कंसेप्ट हमें समझना है। एक न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कहां आना चाहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन को क्या मिले, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है। तो देखिएगा, पीएच क्या है, यहां क्या है, विनाइल, ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तो इस पॉजिटिव कैरेक्टर पे क्या हुआ, पॉजिटिव कैरेक्टर आया इस कार्बन पे, यहां भी क्या हुआ, पॉजिटिव कैरेक्टर। भाई यहां पे तो प्लस आई लगा हुआ है ना, तो प्लस आई के कारण इसका जो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा। अब आ जाते हैं बात कि सर ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, वन एंड टू में कैसे डिसाइड करेंगे। तो फिनाइल का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है कि सेल्कीन से, हाँ, तो इस जगह पे बोलेंगे कि सर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ज्यादा आसानी से होने जा रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो हम लोग क्या इसके लिए बोलेंगे कि सबसे पहले जो होगा अटैक वो कहां होगा, वन पे, देन टू, देन थ्री एंड देन फोर का तो सबसे लास्ट होता है, ठीक है। तो इसमें सिक्वेंस हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 के लिए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझना बात को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, और एक न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करना चाहेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर ज्यादा होगा। चलिए 47 नंबर एसर्शन रीजन है, समझते हैं इसे। कहा जा रहा है ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। देखिए, ये आपका आ गया बेंजोइक एसिड, ये आ गया OCS3 ऑर्थोमिथाइल, सॉरी ऑर्थोमिथाइल बोला जा रहा है, और एक आ गया बेंजोइक। समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, समझने वाला है, सिंपल याद रखने पे गलत हो जाएगा। तो भाई यहां पे तो सर बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था ना कि बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथाइल, नहीं, यहां पे नहीं होगा ऐसा काम। क्यों नहीं होगा, तो एक रूल होता है जिसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या बोला जाता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे, बेंजोइक से। क्या रीजन है, रीजन ये है कि दोनों में यहां पे रिपल्सन फील होगा, हाँ रिपल्सन फील होने के कारण यहां से इस एच का रिमूवल आसान होगा। और हम लोग जानते हैं कि एसिड किसे बोलेंगे, जो जितना जल्दी अपना एच प्लस दे दे, यानी ईज ऑफ एच प्लस, यानी डोनर ज्यादा बढ़िया हो, तो इस कारण से रिपल्सन हो रहा है, जिसको कि ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। यहां पे क्या होगा, इसका एसिडिटी ज्यादा होगा किससे, बेंजोइक से। समझ में आया बात, क्या बोले हम लोग, क्या बोले,
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड आइदर द ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन इज ईडीजी ऑल्सो। कोई मतलब नहीं है, वो ईडीजी ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर रूल आया हुआ है ऑर्थो इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। अब भाई स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है तो चाहेगा ना कि अपना एच को जल्दी से लॉस करे ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम हो जाए, तो इसी कम को करने के लिए दिखाया जा रहा है क्या यहां पे कि ये ज्यादा एसिडिक होगा। चलिए, यानी असर्शन तो हमारा सही है, इसमें रीजन बोलते हैं। रीजन बोला जा रहा है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। आ जाते हैं इसका क्वेश्चन समझते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक और ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो भाई पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये तो गलत बोल रहा है, इसमें तो एसिडिटी 1 > 2 होगा। तो हम लोग कहां ये बोल सकते हैं कि प्लस आई के इंक्रीज होने से, प्लस आई के बढ़ने से एसिडिक बढ़ता है, तो गलत स्टेटमेंट हुआ। यानी ये जो स्टेटमेंट दे रखा है रीजन, वो फॉल्स है। यानी इसमें क्या बोलेंगे कि रीजन, इफ रीजन इज ट्रू एंड रीजन सॉरी इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 3। क्या? क्योंकि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। हाँ, यही बात अगर बोला होता कि प्लस पॉजिटिव, प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये हम लोग बोलते सही है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं था। एक्सप्लेनेशन अगर ऑर्थो के बारे में बोला जाता तो हम लोग बोलते सही है। यहां सिंपल सा रीजन है फॉल्स एंड ट्रू को लेकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। तो 47 नंबर याद रखिएगा बच्चे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, जिससे ऑर्थो इफेक्ट समझ में आएगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है वही इस एक्सेप्शन को समझते हैं। चलो ऑर्थो इफेक्ट आया ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 47, 48 से पहले एक और छोटा सा एक और एक्सेप्शन दिखा देता हूं। अगर बेस का कहीं क्वेश्चन बना रहे हो आप और एनिलीन ले लियो हो, एनिलीन अगर ले लियो हो, समझ लो बात, NH2 ले लियो हो और एक जगह हम लगा दिए CH3, तो बात आएगा कि सर इस जगह CH3 प्लस आई है, तब तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस जगह पे नाम आता है SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। जैसे ही आप H+ से रिएक्शन कर देते हो, क्वेश्चन दिया हुआ था एसिड से, थोड़ा बेस से भी बात कर लें क्योंकि ये भी एक्सेप्शनल है, और कौन सा एक्सेप्शन क्वेश्चन आ जाए नहीं पता। तो ये क्या करेगा, रिपल्सन होगा यहां पे। जब प्रोटोनेशन किए तो किसी तरह किसी भी तरीका का रिपल्सन नहीं हो रहा है। इस कारण से यहां पे आया क्या कि 2-methyl aniline या एक और ले लो 2.6-methyl aniline। लेकिन अगर थोड़ा भी आप इसको याद नहीं रखते हैं, एक्सेप्शनल पॉइंट ये याद नहीं रहेगा, तब तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि दो दो प्लस आई लगा हुआ है, तब तो फिर अच्छा बात है कि सर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया जा रहा है। नहीं, यहां पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन पॉइंट है SIP। यहां पे भी क्या होगा, जैसे ही हम लोग H+ लेकर आएंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, तो ये जो एनिलीन है NH2 जो है वो NH3 में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम में, और इसके H के साथ यानी इसके मिथाइल ग्रुप के साथ क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा भाई। तो रिपल्सन से बचने के लिए इसने प्रोटोनेशन ही नहीं किया। तो जब प्रोटोनेशन ही नहीं किया यानी एसिड से रिएक्शन नहीं किया, तो क्या ये अच्छा बेस है? नहीं है। समझ में आया बात? यानी क्या बोलेंगे इसके लिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, यानी यहां पे क्या बोलेंगे, 2-methyl aniline या 2.6-dimethyl aniline आर लेस बेसिक देन एनिलीन। यानी एनिलीन यहां पे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। और यही बात हम लोग उस तरह से ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था एसिड से लेकर, एसिड के साथ साथ थोड़ा सा इसमें हमने एक और एक्सेप्शन पॉइंट बता दिया बेस को लेकर। तो इस कारण से जो डिस्कशन दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट के तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी लास्ट समय में, रिविजन का एक बहुत अच्छा जरिया है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे मोलर मास हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ठीक है सर। फिर कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। तो चलो इसका एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लिए हम लोग 5 कार्बन का, लेकिन इसके लिए कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए
और यहां पे ले आते हैं, चार कार्बन का चेन ले आते हैं और एक मिथाइल ब्रांच कर देते हैं, CH3 CH3। अब देखो मोलर मास तो बराबर हो गया, तो क्या कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। बिल्कुल सही बात है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी इसको 1 2 3 अगर बोले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहां पे, 1 > 2 > 3। और अगर यहीं पर एक क्वेश्चन लगा दो ये CH2 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 CH3, तो भाई इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहां सिंपल चार कार्बन है, मोलर मास इसका कम हो रहा है और इन लोगों का क्या हो रहा है, 5 है। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर मोलर मास इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर मोलर मास कॉमन है और ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्या बोलेंगे इसमें कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट। अब देखो ये तो आपसे बोला नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो आपने स्टेटमेंट से बोल दिया, लेकिन क्यों बढ़ रहा है तो नहीं बताया, तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। लेकिन जो एसर्शन है और रीजन है दोनों सही है, बट जो रीजन है वो ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 चूज करना होगा इसके लिए। क्या बोला जाता है ऑप्शन नंबर 2 में पढ़ लेंगे, इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही बात है हाँ, एंड द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। यही अगर कुछ एक्सप्लेन कर देता रीजन में कि क्यों बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, क्यों बढ़ रहा है मोलर मास के बढ़ने से, तब हम लोग बोलते कि एसर्शन सही है और रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन सही है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ध्यान रखिएगा यहां पे क्या बनने जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही दे रखा है, एसर्शन भी रीजन भी, लेकिन रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए 49 में चलते हैं, अमाइंस ग्रुप से है। 49 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझा जाए। कह रहा है बच्चे अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर फॉर द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। चलिए हम लोग भी बनाते हैं इसको, क्या जैसे बोला जा रहा है, एनिलीन ले लेते हैं और यहां पे दे देते हैं HNO3 H2SO4। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था वो बोल रहा है, प्रोडक्ट बनना चाहिए था ऑर्थो, साथ में एक प्रोडक्ट बनना चाहिए था पैरा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझो, विथ कंसंट्रेटेड एसिड इन अ गुड अमाउंट एट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन इज ऑब्टेंड, साथ में मेटा पे भी आ गया नाइट्रो। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है कि आपने मेटा पे भी ले लिया, और ये 47% होता है, ये 51% आपको परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से याद रखना कि हाँ बनता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों बन रहा है, सर बनना तो नहीं चाहिए था क्योंकि NH2 तो हमारा EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये मेटा डायरेक्टर कैसे आ गया, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या रीजन है, तो रीजन समझेंगे। अब जो ये एनिलीन है ना, NH2 है ना, इस मॉलिक्यूल में से H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया और एसिड बेस रिएक्शन कर लिया और बना लिया एनिलीनियम आयन, क्या बना लिया, एनिलीनियम आयन NH3+, जो कि कैसा काम करने लगा, माइनस आई का काम किया, इसका मतलब क्या, ऐसा काम किया मेटा डायरेक्टर का काम किया, समझे बात को, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, NH2 किसमें चला गया, NH3+ में, यानी एनिलीन, इसका नाम था क्या था, एनिलीन, और इसका नाम क्या बोलेंगे, ये वर्ड्स है एनिलीन के लिए, और इसका नाम बोलेंगे एनिलीनियम आयन। ठीक है, तो ये बना कैसा, माइनस आई, जो मेटा डायरेक्टर हो गया, दैट्स वाई यहां पे कैसा काम किया, मेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये रीजन था। तो इसमें क्या बोला जा रहा था कि क्या बोला जा रहा था कि एनिलीन, दिस इज ड्यू टू, क्या बोलेंगे कि NH2 जो हो रहा है वो NH3+ में जा रहा है, जो कि मेटा डायरेक्टर हो रहा है, क्लियर है बात। चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का, ऑर्गेनिक पेपर का, यानी केमिस्ट्री पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 50 नंबर।
थोड़ा सा इस पे भी हम लोग बात करें, कुछ डिस्कस कर लिया जाए। 50 नंबर में देखा जाए, कह रहा है कि एक डाइजोनियम है, डाइजोनियम N2 प्लस Cl माइनस ऐसा होता है, इसका रिएक्शन किया जा रहा है फेनॉल के साथ। और यहां पे पूछा जा रहा है P, और यहां पूछा जा रहा है व्हाट इज द कंडीशन। क्या बोल रहा है कि फॉर कपलिंग रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल, कौन सा कंडीशन ज्यादा सुटेबल होगा ये पूछा जा रहा है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल। समझिए बच्चे, यहां पे दो पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कहता है क्या, अगर यहां पे हम लोग बेसिक मीडियम लेते हैं OH माइनस, तो ये क्या करेगा, O माइनस माइनस इस जगह पे। और अगर N2 के बारे में हम लोग जानते हो ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये, इसको आकर इसके साथ अटैक करना है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कैसा बनता है, ये ऑरेंज कलर का एक कलर देता है डाई, जिसे बोलते हैं NN, और ये बनता है pH। तो ध्यान रखना है, कैसा कंडीशन चाहिए, स्लाइटली बेसिक चाहिए, ठीक है, ये रीजन है इसका मैकेनिज्म। अब समझते हैं, कभी कभी रेट ऑफ द रिएक्शन यहां से पूछेगा, तो कैसे बनाओगे कपलिंग रिएक्शन का रेट। तो हम यहां बता रहे हैं इसमें रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन इस कंडीशन में, यानी डाइजोनियम में, नंबर वन, फॉर डाइजोनियम, डाइजोनियम के पास क्या होना चाहिए, डाइजोनियम, फॉर डाइजोनियम EWG, माने डाइजोनियम के पास EWG होना चाहिए, तो रेट ज्यादा फास्ट होगा। क्यों, सिंपल सा समझो ना, यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तभी तो यहां पे और ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर को जनरेट करके रखेगा, ठीक है। और अगर बात करें फॉर सबस्ट्रेट, इसके लिए इसको सबस्ट्रेट बोल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, तो सबस्ट्रेट के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। यानी कि फॉर सबस्ट्रेट के लिए बात करेंगे, फॉर सबस्ट्रेट, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, EDG, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन से कभी क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से, तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लेना बड़ा। तो ये था आपका ऑर्गेनिक पेपर का डिस्कशन स्पोर्ट 11 का। फिर मिलते हैं हम लोग अगले स्पोर्ट पेपर में डिस्कशन में। होप कि आप लोग अच्छे से अभी तैयारी कर रहे हैं, और समय भी आप देख रहे हैं कि काफी नजदीक आ रहा है एग्जाम का। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत पॉजिटिव माइंडेड होकर अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और जिस तरीके से अपने MD सर और रंजन सर के थ्रू बताया जाता है सेमिनार में या वेबिनार में या टॉपर्स जो भी बताते हैं, उसको जरूर फॉलो करिए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना है कि आप किसका तैयारी कर रहे हैं, तो मेडिकल का, जो कि एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपका लाइफ को चेंज कर देगा, तो इसके लिए तैयारी भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव माइंडेड से रहना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम लोग अगले में, थैंक यू।